Good morning, dear students. After completing the reading of this lesson, our fellow traveler, today we are going to do the exercise of this lesson. प्रिय छात्रों नमस्कार. चैप्टर आ फेलो ट्रेवलर की रीडिंग समाप्त करने के बाद आज हम इसकी एक्सरसाइज करने को जा रहे हैं. एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस. प्रिय छात्रों हमको एक सेंटेंस दिया गया है. उस सेंटेंस के चार ऑल्टरनेट्स दिए गए हैं. उसमें से जो भी सबसे उपयुक्त ऑल्टरनेट हो वो हमको फिल करना है. एंड वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द बुक ऑफ द लेसन. इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हम लेसन की मदद ले सकते हैं. एंड टुडे यू योरसेल्फ विल फिल एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. आज आप ही स्वयं इन सारे क्वेश्चंस को फिल करेंगे. एंड आई विल गिव यू अ हिंट. मैं आपको एक हिंट दूंगा. आई विल एक्सप्लेन यू एवरी सेंटेंस. मैं हर सेंटेंस आपको क्लियर करूंगा. बट यू योरसेल्फ विल सॉल्व दीज सेंटेंसेस. आप स्वयं ही इन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे और जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ फ्रेज है उसको फिल करेंगे. सो सेंटेंस नंबर वन. The train by which A.G. Gardner travelled stopped at dash stations. जिस रेलगाड़ी से A.G. Gardner ने यात्रा की वह रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकती थी. A.G. Gardner ने जिस रेलगाड़ी से यात्रा की वह रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुका करती थी. Big means बड़े. Suburban means उपनगरीय. Small means छोटे. और roadside means सड़क किनारे. आपको इसमें से जो भी उपयुक्त सब समझ में आता है उसको आप फिल करेंगे. नंबर सेकंड, देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम डैश बीइंग अलोन इन अ कैरिज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट. लेखक कहता है, रेलगाड़ी के ऐसे डिब्बे में जो गर्मियों की रात में झटके देते हुए शोर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हो, ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा करने पर स्वतंत्रता का सुखद एहसास होता है. यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है ऑफ, ओवर, फॉर, अबाउट में से कोई एक. नंबर थ्री, इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड सेटिंग दैम एज अ सॉल्ट ऑफ डैश. लेखक कहता है कि यहाँ पर आपको फिल करना है, वास्तव में आप ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में खिड़कियों को खोलते हुए खिड़कियों को बंद करते हुए एक प्रकार का स्वतंत्रता का मनाते हुए आगे की ओर यात्रा कर सकते हैं. इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड सेटिंग दैम एज अ सॉल्ट ऑफ डैश फेस्टिवल. आप एक ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में जिसमें आप अकेले हों उसमें आप खिड़कियों को खोलते हुए खिड़कियों को बंद करते हुए एक प्रकार की स्वतंत्रता का आनंद उठाते हुए यात्रा आगे कर सकते हैं, यात्रा पूरी कर सकते हैं. फेस्टिवल त्योहार, ओकेजन, अवसर, फंक्शन माने भी एक कार्यक्रम होता है, चांस माने मौका. इसमें से किसी एक आपको आपको फिल करना है. मैग्नेनिमिटी हैज इट्स, उदारता की भी अपनी होती है. एंड मीन्स अंत. नो एंड मीन्स कोई अंत नहीं. लिमिट्स माने सीमा. यूजेस माने फायदे. उदारता की भी अपनी होती हैं. इसमें से कोई एक वर्ड आपको फिल करना है. एंड समाप्त. नो एंड कोई अंत नहीं. लिमिट्स सीमाएं. यूजेस फायदे. नंबर फिफ्थ, यू आर अ वैग्रेंट, यू आर अ पब्लिक, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट. आप आवारा हो, आप जनता को हानि पहुंचाते हो, आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो. आप आवारा हो, आप जनता को हानि पहुंचाते हो, आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो. सर्वेंट मीन्स नौकर. मैन मीन्स आदमी. इंडिविजुअल्स मीन्स अकेला इंसान. और न्यूसेंस माने नुकसान पहुंचाने वाले या नुकसान पहुंचाने वाला. नंबर सिक्स, आई ए जी गार्डनर फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ डैश फीडिंग. आई का मतलब लेखक से है. मैंने अपने हृदय में मच्छर के प्रति मित्रता महसूस की और मेरी
भावना धीरे धीरे कम पड़ने लगी। मैंने मच्छर के प्रति अपने हृदय में मित्रता की भावना महसूस की और यह भावना कम पड़ने लगी। कौन सी भावना? उसमें आपको फिल करना है सुपीरियोरिटी, श्रेष्ठता, इन्फीरियोरिटी, कोई अच्छा गुण नहीं, काइंडनेस, दयालुता, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। नंबर 7, मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट डेस ऑफ मैन। उदारता और दया मनुष्य के दो श्रेष्ठ होते हैं। मैग्नेनिम क्वालिटीज योग्यताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स चरित्रार्थ, ट्रेट्स मीन्स विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स माने गुण। आपको किसी एक को फिल करना है। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन डैश यू। मैं तुमको मार नहीं सकता लेकिन मैं तुमको माफ कर सकता हूँ। रिप्रीव माफ करना, फॉरगिव माफ करना, पनिश दंडित करना, कंडेम निंदा करना। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस डैश नाइट। भाग्य ने हम दोनों को इस रात में सहयात्री बना दिया है। कौन सी रात? समर गर्मियों की, विंटर सर्दियों की, डार्क अंधेरी, मूनलाइट चांदनी रात। आई हैव यू एंड यू हैव मी। आई हैव डैश यू एंड यू हैव डैश मी। मैंने तुम्हारे साथ और तुमने मेरे साथ। यहाँ पर आपको दो वर्ड्स फिल करने हैं, इंटरेस्टेड, डिस्टर्ब, रुचि लेना, परेशान करना। डिस्टर्ब इंटरेस्टेड, परेशान करना, रुचि लेना। इंटरेस्टेड एंटरटेन, रुचि लेना, मनोरंजन करना। एंटरटेन इंटरेस्टेड, मनोरंजन करना, रुचि लेना। द ऑथर वन इवनिंग डैश आ पैसेंजर ट्रेन। एक शाम लेखक एक रेलगाड़ी के डिब्बे में। बताना है माउंटेड चढ़ा, क्लाइम चढ़ा, बोर्डेड मीन्स चढ़ना और गॉट अप मीन्स भी होता है जागना। इसमें से कोई एक आपको फिल करना है। As I closed the door of the compartment, I saw my dash fluttering round the line. जब मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे को बंद किया तो मैंने अपने डैश खालिस्तान को बल्ब के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। मॉस्किटो मच्छर, फ्रेंड मित्र, कंपेनियन साथी, फेलो ट्रेवलर सहयात्री। नंबर 13, ए जी गार्डनर, ये हमारा हो चुका है, ये रिपीटेड है, अच्छा ठीक है कर सकते हैं। ए जी गार्डनर वन इवनिंग डैसा पैसेंजर ट्रेन। देख लीजिएगा कर चुके हैं, दोबारा करना है कर सकते हैं। नंबर 14, ये भी हो चुका है तो आपको केवल 12 तक करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, टुडे यू हैव टू डू योरसेल्फ दिस एक्सरसाइज बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शंस एंड सेंड मी द आंसर्स, देन आई विल बी एबल टू नो that you have done this exercise or not. जब आप इसको फिल करेंगे, इसके आंसर्स मेरे को सेंड करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने इस एक्सरसाइज को किया है या फिर इस एक्सरसाइज को नहीं किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व दिस एक्सरसाइज, रीड द लेसन, यू विल फाइंड इट वेरी ईजी। आप इसको बहुत आसान पाएंगे बिकॉज यू हैव रेड द लेसन, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा है, आसानी से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू डू इट, कृपया इसको करने की कोशिश करें। एंड द डे आफ्टर एंड द टुमारो आई विल सेंड यू इट्स आंसर शीट। कल मैं आपको इसका जो भी आंसर शीट्स होंगी वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। एंड नाउ लेट अस डू सम सेंटेंसेस ऑन कन्वर्सेशन। चलिए अब हम कुछ वाक्य करते हैं जो कि कन्वर्सेशन पर हैं, बातचीत पर हैं, और हमारा टॉपिक है क्षमा प्रार्थना। हमारा आज का टॉपिक है क्षमा प्रार्थना। किस प्रकार हम किसी को क्षमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपोलोजीज करते हैं, तो किन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, आप बुरा ना माने, प्लीज डोंट माइंड दिस। आप बुरा ना माने, प्लीज डोंट माइंड दिस, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग। माफ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका, आई एम सॉरी आई गॉट लेट। माफ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका, आई एम सॉरी आई गॉट लेट। मुझे यह जानकर दुख हुआ, आई वॉज सॉरी पेन टू हियर दिस। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक।
कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आई बैग योर पार्डन, मेरे गलत उच्चारण को माफ करें, प्लीज एक्सक्यूज माई इनकरेक्ट प्रोनंसिएशन, मेरे गलत उच्चारण को माफ करें, प्लीज एक्सक्यूज माई इनकरेक्ट प्रोनंसिएशन, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करें, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करें, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, माफ कीजिए मैं टेलीफोन नहीं कर सका, आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू, माफ कीजिए मैं टेलीफोन नहीं कर सका, आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू, मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा, अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा, अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, माफी मत मांगिए कोई बात नहीं, डोंट अपोलोजाइज इट डजंट मैटर, माफी मत मांगिए कोई बात नहीं, डोंट अपोलोजाइज इट डजंट मैटर, यह तो केवल गलती से हो गया, इट वॉज मेयरली डन बाय मिस्टेक, यह तो केवल गलती से हो गया, इट वॉज मेयरली डन बाय मिस्टेक, मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी, आप चिंता ना करें कोई हानि नहीं हुई, डोंट वरी नो हार्म इज डन, आप चिंता ना करें कोई हानि नहीं हुई, डोंट वरी नो हार्म इज डन, अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो मुझे खेद है, आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव नोइंगली हर्ट यू, अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो मुझे खेद है, आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव अनोइंगली हर्ट यू, यह अनजाने में हुआ था, इट वॉज डन अनोइंगली, यह अनजाने में हुआ था, इट वॉज डन अनोइंगली, यह आपका दोष नहीं था, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, यह आपका दोष नहीं था, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतजार करना पड़ा, आई एम अवफुली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतजार करना पड़ा, आई एम अवफुली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, कोई हर्ज नहीं दैट्स ऑल राइट, कोई हर्ज नहीं दैट्स ऑल राइट, डियर स्टूडेंट दीस आर 19 सेंटेंसेस ऑन क्षमा प्रार्थना अपोलोजीज एंड प्लीज रीड these sentences, use these sentences on your daily conversation. It will help you making your English spoken much better. Have a nice day. Bye-bye.